हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए डिज़ाइन कर सकें। तो आज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस या प्रोसेस लाइफ साइकिल। इसको प्रॉपर तरीके से आपने समझना है और इसमें बहुत सारी आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे प्रोसेस होता है। बट यहाँ पर कोई भी अगर प्रोसेस क्रिएट होता है वो डिफरेंट स्टेजेस से होके जाता है, तो वही स्टेज मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसको प्रॉपर देखिएगा। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस इज अंडरगो अ नंबर ऑफ स्टेज। जब कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो वो डिफरेंट स्टेजेस से होके जाता है। दीज स्टेजेस मे डिफर इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये स्टेजेस डिफरेंट हो सकती हैं। एंड दी नेम ऑफ दी स्टेजेस आर ऑल्सो नॉट स्टैंडर्डाइज। नेम स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये न्यू ही नहीं हो किसी और के लिए, इसको आप कुछ और भी बोल सकते हैं, रेडी वाले को कुछ और बोल सकते हैं, बट स्टैंडर्डाइज नहीं है। बट जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका इसी पे काम करता है, यही आपके डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज आती है इसमें न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड। तो सबसे पहला है आपका न्यू। कोई भी प्रोसेस जब आपका क्रिएट होता है तो सबसे पहले वो जाता है न्यू स्टेज में। कोई भी प्रोसेस क्रिएट होगा तो वो न्यू स्टेज में जाएगा। न्यू के बाद जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है वो जाएगा आपका रेडी स्टेज में। रेडी स्टेज में वो वेट कर रहा है प्रोसेसर का, प्रोसेसर मतलब सीपीयू का वेट करेगा। जैसे ही इसे सीपीयू मिल जाएगा वो क्या जाएगा आपका रनिंग स्टेज में चला जाएगा, शेड्यूलर के थ्रू, शेड्यूलर FCFS, राउंड रॉबिन, कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मिलेगा और रनिंग में चला जाएगा। रनिंग के बाद जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा देन वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होने के बाद वो रिमूव हो जाएगा सिस्टम से। अब मान लीजिए कोई प्रोसेस रनिंग में है एक और इनपुट आउटपुट इवेंट का वेट कर रहा है, उसे प्रोसेस इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में वो चला जाएगा वेटिंग में, मतलब वो वेट स्टेज में जाएगा क्योंकि कोई दूसरा प्रोसेस रनिंग स्टेज में आएगा, क्योंकि ये नहीं तो अगर वो प्रोसेस यहाँ रनिंग में रहेगा तो वो और प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। इस कंडीशन में जो आपका प्रोसेस रनिंग स्टेज में है इनपुट आउटपुट इवेंट वेट करेगा तो वो वेटिंग में चला जाएगा, एंड जो नया प्रोसेस है वो रनिंग में आएगा, एग्जीक्यूट होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए रनिंग प्रोसेस में कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आता है, इंटरप्ट आता है, उस कंडीशन में भी वो जो रनिंग प्रोसेस है वो इंटरप्ट के थ्रू रेडी में चला जाएगा, तो वापस जो नया प्रोसेस आया है वो एग्जीक्यूट होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। वेटिंग वाला प्रोसेस का वेटिंग जब कंप्लीट हो जाएगा तो इनपुट आउट इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, देन वो रेडी में आएगा, अगेन रनिंग में आएगा, एग्जीक्यूट होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हमने यहां पर देखा P1, P2, P3, P4, ये डिफरेंट आपके प्रोसेस हैं जिनको एग्जीक्यूट होना है। मान लीजिए P1 को 5 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना है, P2 को 4 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना है, P3 को 5 सेकंड ही हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, P4 को 3 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना है। स्टार्टिंग में ये सारे प्रोसेस हैं, इनको एग्जीक्यूट होना है सारे प्रोसेस। इनमें से मान लीजिए अभी रेडी जो है वो है P1, P2, P3, P4 रेडी नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो P1, P2 एंड P3 ये आ चुके आपके रेडी क्यू में। अब रेडी क्यू में इसमें ये चेक करेगा कि किसकी प्रायोरिटी, अब शेड्यूलर के थ्रू शेड्यूल करेगा कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट। मान लीजिए इसमें P2 को एग्जीक्यूट होना है तो सबसे पहले P2 को ही एग्जीक्यूट होना है, इसी की प्रायोरिटी अभी हम हाई लेके चल रहे हैं, तो P2 यहां से डायरेक्ट चला जाएगा रनिंग में और P2 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही P2 के 4 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे ये क्या करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यहां से टर्मिनेट को कॉल, एग्जिट को कॉल करके टर्मिनेट हो जाएगा, यानी P2 आपका कंप्लीट हो चुका है, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ये तो प्रोसेस है सिंपल वे में। अब मान लीजिए यहां से नेक्स्ट प्रायोरिटी थी P1 की, तो P1 आया रनिंग स्टेज में, P1 आया यहां रनिंग स्टेज में, इसने एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया 3 सेकंड, होना इसको 5 सेकंड था P1 को, ये 3 सेकंड तक एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ये 3 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ यहां पर इसको इनपुट आउट डिवाइस का वेट करना है, इनपुट डिवाइस की जरूरत पड़ी, तो उस कंडीशन में P1 चला जाएगा वेटिंग स्टेज में, P1 आ जाएगा यहां। अभी इसके 3 सेकंड एग्जीक्यूट हुए हैं, 2 और होने हैं, इसमें रिमेनिंग जो बचे हुए हैं वो 2 सेकंड अभी बचे हुए हैं, 3 सेकंड ये एग्जीक्यूट हुआ है। तो नया प्रोसेस जो यहां है, मान लीजिए P3 नया प्रोसेस है, P3 यहां आया, उसका एग्जीक्यूशन है, टाइम है 5 सेकंड, इसने 5 पूरा एग्जीक्यूट किया और अपना ये भी टर्मिनेट हो गया P3 भी, बट P1 जो है वो वेटिंग में है। मान लीजिए इसका वेटिंग कंप्लीट हो चुका है, वेटिंग कंप्लीट हुआ, अगेन दोबारा से P1 जो है वो आएगा आपका रेडी में, अब इसका 2 सेकंड एग्जीक्यूशन और कंप्लीट है, फिर ये जाएगा रनिंग में,
P1 ने भी 2 सेकेंड एग्जीक्यूट किया और ये भी क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये प्रोसेस आपका इसमें एग्जीक्यूट होता है। अब मान लीजिए P4 भी रेडी हो गया, ये भी आ गया रेडी में, P4 रेडी में आ गया 3 सेकेंड के लिए। यहां पर P4 एग्जीक्यूट हो रहा था, मान लीजिए इसने 1 सेकेंड एग्जीक्यूट किया, इसी समय यहां पर एक नया प्रोसेस जनरेट हुआ P5, इसको एग्जीक्यूट हुआ 5 सेकेंड, इसकी प्रायोरिटी हाई है, प्रायोरिटी जो है लार्ज इसकी है, तो ये डायरेक्ट रेडी में आएगा। रेडी में आने के बाद तुरंत इसने रनिंग में जाना है, तो जो रनिंग में था, रनिंग में P4 है, P4 जो है इंटरप्ट आया है, इंटरप्ट के अकॉर्डिंग ये चला जाएगा रेडी क्यू में, मीन्स P4 वापस आ जाएगा रेडी में। रनिंग में आपका एग्जीक्यूट होगा P5, P5 5 सेकेंड पूरा एग्जीक्यूट होगा, टर्मिनेट होगा, देन P4 दोबारा से, हाँ P4 आपका दोबारा से रनिंग में आएगा, वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, देन अपना टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है आपका स्टेजेस ऑफ प्रोसेस, ये प्रोसेस की लाइफ साइकिल है, प्रोसेस कैसे वर्क करता है। इसमें आप जो लास्ट वाली प्रायोरिटी का देख सकते हैं, जब आप एडमिशन लेने जाते हैं, मान लीजिए आप एडमिशन ले रहे हैं, आपका प्रोसेस चल रहा है, उसी समय किसी नेता की सोर्स आई, तो नेता की सोर्स आई तो उसे पहले एग्जीक्यूट करना है, तो तुम्हें क्या करता है, वो इंटरप्ट के कारण रेडी में वेटिंग में डाल देगा। तो वही कंडीशन यहां पर भी आपकी प्रोसेस में होती है, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगा। अगर आप इसका पूरा थ्योरी की बात करें, मैं थ्योरी आपको दिखा देता हूँ इसकी, डिफरेंट स्टेजेस देखिए। सबसे पहली आपकी न्यू स्टेट, दिस इज द स्टेट व्हेन द प्रोसेस इज जस्ट क्रिएटेड, इट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ प्रोसेस। जब आपके क्रिएट होते हैं प्रोसेस, वो न्यू स्टेट में आते हैं। रेडी स्टेट, आफ्टर द क्रिएटिंग ऑफ प्रोसेस, व्हेन द प्रोसेस इज रेडी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, देन इट गो इन द रेडी क्यू, रेडी स्टेट। इन द रेडी स्टेट द प्रोसेस इज रेडी फॉर इट्स एग्जीक्यूशन फॉर सीपीयू, बट इट इज वेटिंग फॉर द टर्न, अपने टर्न का ये वेट कर रहा है सीपीयू एलोकेट होने का। रनिंग स्टेज अमंग दी प्रोसेस प्रेजेंट इन दी रेडी क्यू, रेडी क्यू में बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसमें से सीपीयू जिसको एलोकेट हो जाएगा वो किसी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देगा रनिंग स्टेज में। इसके बाद नेक्स्ट है वेटिंग और ब्लॉक स्टेट, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस, द प्रोसेस माइट रिक्वायर सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लाइक वेटिंग ऑन फाइल और सम मोर प्रायोरिटी प्रोसेस माइट कम। जब कोई प्रायोरिटी का प्रोसेस आया है या इनपुट आउटपुट का वेट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में वो कहाँ चला जाएगा, वो वेटिंग में चला जाएगा। जब उसका वेटिंग कंप्लीट हो जाएगा तो वो दोबारा से रेडी में जाएगा और रनिंग होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। लास्ट टर्मिनेट स्टेट, आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ एग्जीक्यूशन द प्रोसेस कम इन टू द टर्मिनेट स्टेट एंड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस प्रोसेस इज डिलीटेड। जैसे उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन आपकी सिस्टम से डिलीट करनी है, वो आपका टर्मिनेट स्टेज में परफॉर्म होता है। तो ये सारा प्रोसेस है आपका लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस। थैंक यू एवरीवन।